साहब ये लोग अच्छे लोग नहीं है साहब, आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। साहब साहब आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब, ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपका यार कोई ठीक नहीं है साहब, चले जाओ। भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना, क्या हुआ है तुझे? सर हा? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई ऐ, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना, जाओ आराम से खेलो कूदो, तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गाँव है, सिर्फ तुम लोगों का गाँव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था, तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ, उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा, ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार, ये हुई ना बात। जीप है, उस कमीने का ऑफिस ऑफ पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है, अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ, सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है। अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो, तो उसकी गाड़ी को ठोक दो उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उठ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब जिसने मेरे हाथ से मार खाया है लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। Oh, my God.
दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम? मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? जा। अरे तू। ए, तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। अब गांव वालों, तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं इस पुलिस स्टेशन में नया अपॉइंट होकर आया हुआ अप्रेंटिस पुलिस हूँ। सही है ना? हाँ, सही है। तो अब सारे मर्द इस साइड और सारी औरतें इस साइड आ जाएं। बैठ जाओ आराम से। आज के बाद सारे मर्द कांस्टेबल्स और सारी औरतें लेडी कांस्टेबल्स। ओके। हाल ही में यहाँ कोई लेडी रिपोर्टर आई थी क्या? आई थी ना, उसे मार डाला और फिर उसे दफन भी कर दिया। आज तक तुम लोग जो काम करते आए हो, अब उसे रोक दो और यहाँ पर आराम से रहो। अब हम खुदाई करेंगे। वो देख रहे हो जो बड़े खम्बे दिख रहे हैं, वैसे ही भगवान की मूर्ति हो या फिर और कोई विचित्र चीज अगर आप लोगों को मिले तो वो लाकर मुझे दिखानी है। ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ आ रहा हूँ। फोन। हूँ मिनिस्टर सर। नमस्ते। हेलो, कैसे हो? गांव मिला तुम्हें? सर गांव तो मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। आहा, वातावरण कैसा है? सर वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चेक करने का टाइम नहीं मिला। मेरे आते ही एक फाइट हो गई, 4 लोग स्पॉट में आउट हो गए। यहाँ का कोई एक MLA, ये सब उसी का कारनामा है। MLA का? हाँ सर, MLA। और हाँ सर, एक और खास बात करनी है आपसे। आपने मुझसे एक लड़की के बारे में जिक्र किया था ना, उस लड़की का मर्डर करके यहीं पर दफना दिया उसे। मर्डर? ऐसा यहीं के लोगों ने बताया मुझे। सर इसके अलावा यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके कहीं और भेजा जा रहा है। सर क्यों, कहाँ, किस लिए, ये अब तक मुझे नहीं पता। सर यहाँ जितने लोग सब कर्नाटक के हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कन्नड़ और मराठी दोनों समझते हैं। अच्छा, वहाँ का MLA कौन है? कोई कुलकर्णी है सर। कुलकर्णी है, ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस बारे में अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई भी बखेड़ा खड़ा करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या फिर वो कुछ किए बिना चुप रहा तो वो अपने राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेट्स वेट एंड सी। वेट फॉर माई ऑर्डर्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुलकर्णी, MLA कुलकर्णी, उसे उस जगह से भला क्या लेना देना होगा? लेना देना है। पिछली 3 पीढ़ियों से, उस जगह से, उस जमीन से हमारा लेना देना है। ऐसे में ये कौन है जो मेरे साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है? भाई, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस नए पुलिस वाले को उसके औकात क्यों नहीं दिखा देते हो? बेवकूफ, समझाए क्या? ऐसा करने के बारे में कभी कोई सोचना भी नहीं। आज तक उस जगह को मैं दुनिया से छुपाते आया हूँ, बड़े गुप्त रूप से। आज तक हम 3 पीढ़ियों से उस जगह को संभालते आ रहे हैं। हमारे बीच में कोई आकर कुछ भी कर सकता है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मंत्री बनना तो दूर, MLA की कुर्सी भी चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मनुष्य के सर को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है वो। ज्योतिष जी को बुला। जब किसी इंसान का सामना नहीं किया जा सकता तब उसे मंत्र तंत्र से ही बांध लेना चाहिए। बुलाओ महाराज को।
वहाँ जो आया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अरे अपनी ज्योतिष विद्या रहने दो, उसका जवाब सिर्फ उसकी मौत होनी चाहिए। जय महाकाली। वहाँ उस गांव में विक्रमेश्वर नाम से अवतारित भगवान शिव का मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। उस मूर्ति को हमें हर हाल में शांत करना होगा। 3 दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हमारा जादू टोना महामंत्र सब काम करेगा। हाँ, महामंत्र, महामंत्र, काला जादू, सब कुछ करो। आपको जितनी बड़ी पूजा करनी है सब करो, शांति मिलनी चाहिए। उसकी मौत कब तक हो जाएगी महाराज? नहीं नहीं, मुझ पर आप जादू टोना मत कर दीजिएगा। अरे सुनो, इस जगह को महाराज के हिसाब से पूजा के लिए तैयार करो। बाप रे, इनकी आंखें तो देखो ऐसी लग रही हैं जैसे आग उगलने वाली हैं। जल प्रवाह पावित स्तरितलंबितं भुजंग तुंग मालिकमट्ठमट्ठमट्ठमन्निनादमड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतनु शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिप्प निर्जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतीक्षणा मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुर दुरंतिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध रुद्धरापति वचिद्दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जल प्रवाह पावित स्थले भलेवलंब्यलंबितं भुजंग तुंग मालिकमट्ठमट्ठमट्ठमन्निनादमड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतनु शिव शिव के कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। हो सके तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर दो। मेरी भविष्यवाणी को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे डरा रहा है? तू मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है? तुझसे अगर ये काम नहीं हुआ ना तो उसे मैं ही खत्म करूंगा।